हम पढ़ रहे थे पावर ट्रांसमिशन थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर सेकंड चैप्टर, ठीक है, उसका लेक्चर 10th है ये। आपने पिछले लेक्चर के अंदर किया था कि कैसे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से मेन फार्मूलाज होते हैं जो अपने को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आज आप एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इसके अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए लैडर बैच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट पावर, कितनी दे रखी है, P इज इक्वल टू 7.5 किलोवाट, ठीक है। इसको आप वाट में कन्वर्ट करते होते हैं तो कितनी आ जाएगी, 7500 वाट, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके अंदर पुली का डायमीटर दे रखा है, ठीक है, उसको स्मॉल डी से लिख लेते हैं, 1.2 मीटर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही और क्या चीजें दे रखी है आपको, आरपीएम दे रखी है, ठीक है। आरपीएम कितनी है, नंबर ऑफ रोटेशन एन इज इक्वल टू 250 आरपीएम। ये आ गया। उसके बाद और क्या दे रखा है आपको, एंगल कितना बना रही है वो थीटा दे रखा है, पुली जो है बेल्ट जो है वो कितनी पुली के ऊपर चढ़ी हुई है, ध्यान देना, जैसे ये पुली है इसके ऊपर कोई बेल्ट चढ़ी हुई है तो ये यहां तक कनेक्ट है, ठीक है, यहां तक। तो ये जो कनेक्शन है, ठीक है, इसको अपन यहां से ऐसे माप सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो एंगल है ये थीटा है, मतलब कितना एरिया जो है पुली का बेल्ट के साथ कनेक्टेड है उसको एंगल में मापना इज नोन एज थीटा, ठीक है। एंगल जो बना रही है बेल्ट उसके साथ थीटा कितना दे रखा है, 165 डिग्री में है। इसको अपन डिग्री में नहीं रख सकते, इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो ये चेंज होता है रेडियन में। तो 165 इनटू पाई डिवाइडेड बाय 180, ऐसे करके इसको रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कितना रेडियन आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो 2.88 रेडियन, 2.88 रेडियन, ठीक है। ये आप साथ के साथ लिखते जाना सारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर आपका जो दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 0.3, ठीक है, म्यू दे रखा है। उसके बाद सेफ स्ट्रेस दे रखी है, सिग्मा इज इक्वल टू 1.5 मेगापास्कल, स्ट्रेसेस फॉर बेल्ट्स वर्किंग स्ट्रेसेस 1.5 मेगापास्कल है, ठीक है। मेगापास्कल को अपन न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये आपका न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लेदर बेल्ट इज इक्वल टू 1 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मेगाग्राम दे रखी है। तो अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू जो पहले तो इसको मेगाग्राम से उसमें करना पड़ेगा ग्राम्स के अंदर, तो ग्राम्स के अंदर करने के लिए इसको 10 से इनटू कर दिया, 1 × 10^6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी ग्राम आ जाएगा यहां से। उसके बाद इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 10^3 रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहां पे, सिर्फ 1000 रह जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहां से आपके बेल्ट की क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। नेक्स्ट है थिकनेस दे रखी है टी बेल्ट की, थिकनेस ऑफ बेल्ट इज 10 mm, थिकनेस टी इज इक्वल टू 10 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, थिकनेस आ गई 0.01 मीटर। यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या निकालना है, इसका क्वेश्चन क्या है, विड्थ कितनी है इसकी, बी निकालनी है विड्थ, ठीक है, विड्थ इसकी फाइंड आउट करनी है। एक बार मैं न्यूमेरिकल को रफ कर देता हूँ, सबने पढ़ी लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है,
एक तरह फार्मूलाज लिख में होते हैं जितने भी उससे रिलेटेड हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले विड्थ वाला फार्मूला देखा कि इसके अंदर अपना विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी टी, ये फार्मूला होता है, इससे आप विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन विड्थ जो है वो और क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए, तो सिग्मा चाहिए, स्ट्रेस, स्ट्रेस आपके पास है, ठीक है, विड्थ फाइंड आउट की जा सकती है। एक क्या चीज चाहिए, थिकनेस चाहिए, थिकनेस भी आपके पास है, थिकनेस दे रखी है बीटा ने, तो यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन टी आपको पता नहीं है, टोटल टेंशन इन द बेल्ट, टोटल टेंशन आपको पता नहीं है, तो टोटल टेंशन के लिए फार्मूला होता है आपको जहां पे चार चीजें हैं राजे, ठीक है, फोर जो है टर्म्स आपको चाहिए, उसमें से सिग्मा आपको पता है, टी आपको पता है, ठीक है, चार चीजें चाहिए थी, पांच टोटल अगर चार हैं, ठीक है, टोटल एक दो तीन चार चीजें हैं, उनमें से तीन चीजें आपको बतानी चाहिए, तब जाके आप फोर्थ पॉइंट जो है निकाल सकते हो। आपको सिग्मा पता है, टी पता है, वी निकालना है, और ये कैपिटल डी जो है ये नहीं पता। इसका मतलब क्या होता है, टोटल टेंशन, टोटल टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टेंशन इज इक्वल टू टेंशन इन टाइट साइड प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। टेंशन इन यानी कि यहां से आपको दो चीजें और निकालनी पड़ेंगी, ये वाली टेंशन निकालने के लिए पहले तो टेंशन टी वन निकालना पड़ेगा, ठीक है, टेंशन इन टाइट साइड, और एक टी सी निकालना पड़ेगा, टेंशन इन सॉरी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, तो सेंटर टेंशन इन टाइट साइड एंड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर, मास ऑफ बेल्ट इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इससे टीसी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा, टेंशन इन टाइट साइड टी वन, ये मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में जो बेल्ट के ऊपर आएंगे उसमें ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि आपको एक बार टेंशन इन टाइट साइड और टेंशन इन स्लैक साइड निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कौन सा फार्मूला पुट करना था, मैंने आपको बताया था, एक तो आपको पावर का फार्मूला बताया था कि पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू टेंशन इन टाइट साइड माइनस टेंशन इन स्लैक साइड इनटू V वेलोसिटी। ठीक है, टेंशन इन टाइट साइड माइनस टेंशन इन सॉरी टेंशन इन टाइट साइड माइनस टेंशन इन स्लैक साइड इनटू ओवरऑल का जो मल्टीप्लाई है उसको किससे किया है, वी से। और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था 2.3 लॉग टी वन डिवाइडेड बाय टी टू इज इक्वल टू म्यू इनटू थीटा, ये दो फॉर्मूला थे। ठीक है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके आप टी वन एंड टी टू निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना कैसे न्यूमेरिकल करते हैं आपा, मैं पहले इसको पूरे को रफ कर देता हूं। ठीक है, आपके पास पहले वेलोसिटी निकाल के अपने को यहां पे वेलोसिटी चाहिए ना, ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले पाई डी एम अपॉन 60। ठीक है, यहां पे आपको डी चाहिए, डायमीटर ऑफ पुली, ठीक है, डायमीटर ऑफ पुली 1.2 मीटर है, नंबर ऑफ रोटेशन 250, देन v इज इक्वल टू पाई इनटू डायमीटर कितना दे रखा है 1.2 इनटू 250 डिवाइडेड बाय 60। यहां से v कितना आ जाएगा आपका, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 15.71 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपकी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी v नॉट दैट v is equal to pi d n upon 60, यहां पे लिखोगे we know that v is equal to pi d n upon 60, यहां पे फार्मूला वैल्यू पुट कर दोगे, देन वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, इतनी आ गई। ठीक है, उसके बाद आप इनमें से एक फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दोगे। ठीक है, जैसे वेलोसिटी निकालिए तो वेलोसिटी वाला फार्मूला ही पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरे को मैं रफ कर देता हूं, ये वैल्यूज आपने लिखी होंगी। ठीक है, सारी अब मैं यहां पे पुट करता हूं वैल्यूज को, जैसे p इज इक्वल टू p पावर है, पावर आपको पता है कितनी है। ठीक है, पावर कितनी ट्रांसमिट करनी थी आपने, पावर आपको दे रखी थी 7500 पार इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू 15.71। ठीक है, 15.71 ये वेलोसिटी यहां पे आ गई। ठीक है,
ये इज इक्वल टू हो गया। अब आप इस 15.71 को ये इसके ओवरऑल मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ओवरऑल 15.71 यहाँ पे डिवाइड हो गया। देन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, यहाँ से T1 माइनस T2 निकाल लोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 477.4 न्यूटन। मतलब के जो टेंशनिंग टाइट साइड है और टेंशनिंग स्लैक साइड है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 477.4 न्यूटन। लेकिन अभी भी अपने को पता नहीं है कि टेंशनिंग टाइट साइड कितनी है, टेंशनिंग स्लैक साइड है, अपने को जस्ट डिफरेंस पता है। अगर ऐसी ही एक और मिल जाए अपने को टर्म, ठीक है, फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा फॉर्मूला जिसके अंदर T1 T2 आता हो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, 2.3 log into T1 divided by T2 is equal to mu into theta। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें पता है, 2.3 पता है, log भी पता है, ठीक है, ये तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आपको और क्या चाहिए इसके अंदर, T1, T2 को एक तरफ रखोगे इस सारी इक्वेशन को, दूसरी तरफ ले जाओगे, ठीक है। Then log is equal to log T1 divided by T2 is equal to, ठीक है, यहाँ पे ये 2.3 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा उसके पूरा, ठीक है। यहाँ पे म्यू कितना दे रखा था आपको, म्यू आपका आया था 0.3 दे रखा था, इंटू थीटा कितना आपने निकाला था 2.88, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड में करेंगे इधर से डिवाइड हो जाएगा 2.3 इसके, ठीक है। देन T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा लॉग, इधर ही अभी लॉग इंटू T1 डिवाइडेड बाय T2 कितना आ जाएगा 0.3756, ठीक है। और जब आप T1 डिवाइडेड बाय T2 करोगे तो ये लॉग जो है इनवर्स चला जाएगा उधर, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू निकलेगी जो वो लॉग इनवर्स होगा, ठीक है। लॉग इनवर्स को यहां पे आपके कैलसी के अंदर E से लिखा रहता है, वो शिफ्ट दबा के लगाना होता है, तो कैलसी के अंदर जब आप लॉग इनवर्स करोगे तो शिफ्ट इंटू शिफ्ट प्लस लॉग की ऐसे दबाओगे तो वो लॉग इनवर्स मतलब के इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये पुट करोगे उसके अंदर, ये पहले ही लगा के उसके बाद ये पूरी वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2 कितना आ जाएगा आपका 2.375, ठीक है। यहां से T1 डिवाइडेड बाय T2 आपका फाइंड आउट हो जाएगा। देन आप इनमें से T1 ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना T1 की वैल्यू कितनी आ गई, फिर T1 को मैं क्या लिख सकता हूं, T1 इज इक्वल टू T2 इंटू 2.375 ऐसे लिख सकता हूं, T1 इज इक्वल टू T2 इंटू 2.375 यहां पे ये वैल्यू आ गई आपकी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है, यहां पे T1 की वैल्यू कितनी है T2 इंटू, तो मैं ये लिख सकता हूं T2 इंटू 2.375, या ऐसे लिख सकता हूं 2.375 T2 माइनस T2 इज इक्वल टू 477.4 न्यूटन। देन इतने में से एक ये 1 T2 है, ये 2.375 T2 है, ठीक है, इसमें से ये घटाने पर कितना रह जाएगा आपका, माइनस करने पर 1.375 T2 इज इक्वल टू 4.477.4, ठीक है। इसको इधर लाके डिवाइड कर दोगे तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 347.2 न्यूटन, ये T2 आ जाएगा। और T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसमें से पुट करोगे, T2 की वैल्यू ये आ गई ना, इसको इधर ले जाके इसके साथ
प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी टी वन की, 824.6 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपकी फाइंड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टी वन टी टू आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब अपने पास बाकी का काम बहुत ही थोड़ा रह गया है, इसका दोनों फॉर्मूलाज जो अपन ने यूज किए थे उनका काम खत्म हो गया है। अब आपा टी वन जो थी, टी वन वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है इस वाले फॉर्मूला के अंदर। दूसरा क्या निकालना था आपने, टी सी निकालना था। टी सी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए और वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी कितनी है 15.71 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मास नहीं पता। मास ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बेल्ट एल इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ब्रेथ इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके मास आप निकाल सकते हो बेल्ट का। तो मास जो है वो एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब बीटी इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू थिकनेस मतलब के वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये पूरी वॉल्यूम बन गई बेल्ट की लेंथ, मतलब के एक मीटर लेंथ के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं तो ये तो बन रहेगी लेंथ, तो ठीक है। वन मीटर लेंथ के ऊपर इसकी ब्रेथ कितनी है एंड थिकनेस कितनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम बन जाएगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास होता है। तो लेंथ कितनी मानी अपने, वन इंटू ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ उसकी अपने निकालनी है अभी अपने को पता ही नहीं, तो वी इंटू थिकनेस कितनी है उसकी 0.01 मीटर, ठीक है, इंटू और डेंसिटी कितनी है आपकी, डेंसिटी है 1000, ठीक है। ये डेंसिटी आपको दे रखी थी, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर की, वो आपने चेक किया था, ठीक है। तो मास कितना आ जाएगा आपका, मास इज इक्वल टू 10 इंटू वी, जब इनको पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे 1 इंटू वी इंटू 0.01 इंटू 1000, तो 10 इंटू वी आपका मास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने मास फाइंड आउट कर लिया, वी की वैल्यू आपको पता नहीं, तो ये आगे चल के जब आप पूरी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Then TC is equal to m into v square. Mass कितना है 10 into v into 15 point. ये mv square है ना? mv square. m into v square. Sorry, v velocity. Velocity का square. 15.71 का square करना है और उसको multiply करना है mass से. Mass कितना है 10 into v. ठीक है? तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना आएगा, 2468 इंटू वी, ठीक है फ्रेंड। यहां से TC ऐसे आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको स्क्वायर करके और बाद में मल्टीप्लाई करोगे V से, ठीक है, ऐसे करके आप ये फाइंड आउट कर लोगे। TC की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। TC की वैल्यू पुट करोगे आप टी में, T is equal to आपको पता है T का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इंटू वी इंटू टी, ठीक है। सिग्मा आपको दे रखा था, विड्थ आपको दे रखी है, ठीक है, विड्थ आपकी कितनी आ गई, विड्थ आपने निकाली और थिकनेस आपको दे रखी है। यहां से T की वैल्यू भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15000 इंटू वी, ठीक है। सिग्मा पुट कर दोगे और थिकनेस, यहां से आप ऐसे T निकाल लोगे, ठीक है। अब अपने पास TC की वैल्यू भी बी फॉर्म में है और T की वैल्यू भी बी फॉर्म में है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, T इज इक्वल टू T1 प्लस TC, ठीक है, T इज इक्वल टू T1 प्लस TC, ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे तो इसके अंदर सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, बी फॉर्म में आ जाएंगी। 15000 बी इज इक्वल टू 824.6, ये आपने पहले निकाल लिया था, T की वैल्यू थिकनेस 1 प्लस TC कितना है आपका, TC 2468 B, ठीक है। और यहां पे B रहेगा सर, ठीक है, B आपका आ जाएगा, यहां से A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू, तो B कितना आ जाएगा 65.8, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, B की वैल्यू निकालनी थी आपने, B की वैल्यू यहां से ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी।
बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज यही न्यूमेरिकल करना था और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।